कहानी की शुरुआत में हम हाई स्कूल स्टूडेंट डोना को देखते हैं, जो देर रात अपनी दोस्त और उसकी माँ के साथ मूवी देखने आई होती है। फिर जब वो वापस अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो अपने भाई और माँ को पुकारती है पर उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। डोना को इससे काफी अजीब लगता है क्योंकि पहली बार उसके घर में इतनी शांति थी। तभी वो अपने भाई के रूम में जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि किसी ने उसके भाई का गला काट कर उसे मार दिया है, जिससे डोना काफी डर जाती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई अनजान आदमी वहाँ घुस चुका है। इसलिए वो जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप जाती है और तभी उसके कमरे में एक किलर उसकी माँ को जमीन पर पटक कर उसे मारने वाला था। वो किलर उसकी मॉम से बोलता है कि डोना सिर्फ मेरी है और मुझे बताओ वो कहाँ है। अब डोना की माँ की आंखें डोना को ढूंढ लेती हैं, लेकिन वो किलर को डोना का नाम बता के झूठ बोलती है कि मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई है। ये सुनकर वो किलर गुस्से में उसकी माँ को मार कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ डोना भले ही जिंदा थी, लेकिन इस हादसे से उसके दिमाग पर गहरा सदमा पड़ता है। अब कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ डोना अपनी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवा रही होती है, जहाँ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर वो समय समय पर दवा भी लेने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि डोना के परिवार के बाद अब उसके अंकल और आंट उसका पूरा ख्याल रखते हैं। खैर, इन सबसे अलग डोना का हाई स्कूल खत्म होने वाला था और उसी रात एक प्रॉम नाइट भी थी। डोना भी उसी प्रॉम नाइट के लिए तैयार होती है। डोना अपनी नई शुरुआत के लिए खुद को अपने पुराने यादों से आजाद होने का सोचती है। जब उसकी आंट डोना से पूछती है कि क्या उसने अपने दवा को लिया है, तो डोना कहती है कि आज मेरा प्रॉम नाइट है, इसलिए मैं आज के दिन को सही से एंजॉय करना चाहती हूँ, और इसीलिए वो अपने दवाई को खाने से मना कर देती है। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड बॉबी डोना को अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन डोना के अंकल उसकी काफी चिंता करते थे, इसीलिए वो रॉनी को उसका अच्छे से ध्यान रखने को कहते हैं, जिस पर बॉबी डोना की पूरी जिम्मेदारी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। जिसके बाद डोना अपने दोस्तों के साथ प्रॉम नाइट के लिए निकल जाती है, जिनमें उसकी दोस्तों का नाम क्लेयर, लीजा, माइकल और रॉनी होता है। अब एक तरफ डोना अपने प्रॉम नाइट के लिए जा चुकी थी, वहीं स्टेशन में एक न्यूज फैलती है कि रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति एजाइलम से भाग चुका है। असल में रिचर्ड वही आदमी था जिसने डोना के परिवार को खत्म किया था। वो उसी के साथ डोना का टीचर भी था, लेकिन समय के साथ उसे डोना से प्यार हो जाता है और वो उसका इतना बड़ा दीवाना बन चुका था कि वो अपने कमरे में उसी की फोटो को लगा रखा था। लेकिन 3 साल पहले विंग नाम के एजेंट ने रिचर्ड को पकड़ लिया था और उसके करतूतों के लिए उसे एजाइलम भेज दिया गया था। लेकिन अब रिचर्ड वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। अब विंग को पता था कि रिचर्ड जेल से भागते ही सबसे पहले डोना को ढूंढेगा, इसलिए वो डोना के घर जाता है। यहाँ विंग डोना के आंट और अंकल को रिचर्ड वाली बात बता देते हैं, जिससे अंकल डोना को लेकर घबरा जाते हैं। तभी विंग उनसे पूछता है कि आखिर डोना इस वक्त कहाँ होगी। अंकल डोना को सुरक्षित देखना चाहते थे, इसलिए वो विंग को उसकी प्रॉम नाइट वाली जगह बता देते हैं। लेकिन तब तक हम रिचर्ड को देखते हैं, जो डोना को ढूंढकर उस प्रॉम नाइट वाली जगह पर पहुंच चुका था। यहाँ वो डोना को बॉबी के साथ देखता है, जिससे उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। यानी कि रिचर्ड अभी भी डोना के लिए उतना ही पागल था। खैर, रिचर्ड हाल में ही जेल से भागा था, इसलिए उसे होटल में रूम लेने के लिए दूसरे की आईडी दिखानी पड़ती है, जिससे उसे एक रूम भी मिल जाता है। यहाँ रिचर्ड रॉनी के बगल में होता है और जब रॉनी रूम को बुक करता है, तब रिचर्ड भी उनके पास वाले रूम को ले लेता है। अब रिचर्ड डोना और उनके साथियों का पीछा करता है। वो उन लोगों के साथ उनके लिफ्ट में भी होता है, पर डोना उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। अब रिचर्ड अपने कमरे के पास जाता है, लेकिन वो अपने चाबी को स्क्रैच करके खराब करने लगता है। असल में रिचर्ड के दिमाग में कुछ शैतानी प्लान चल रहा था। तभी वो मारिया नाम के वेटर को बुलाता है। वो उससे कहता है कि मेरा रूम नहीं खुल रहा है, क्या आप कोई दूसरी चाबी इस्तेमाल कर सकती हैं? अब मारिया को अपनी मास्टर की निकालनी पड़ती है, जिससे वो रिचर्ड का रूम खोल देती है। लेकिन मारिया को अब रिचर्ड पर शक होने लगा था और ये चीज रिचर्ड भी महसूस कर लेता है, इसीलिए वो मारिया को अपने कमरे में बुलाकर उसे जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी को वॉशरूम में छुपा देता है। वहीं रिचर्ड को मास्टर की जरूरत पड़ने वाली थी, ताकि वो उसी की मदद से डोना के कमरे तक पहुंच सके। इधर पार्टी के बीच में क्लेयर और माइकल के बीच बहस होने
करने लगती है। यहाँ डोना उन दोनों को शांत करती है, जिसके बाद वो क्लेयर के लिए भी कुछ दवाई लेने का सोचती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन रिचर्ड को उसके आने की खबर मिल जाती है। वो डोना के आने से पहले मास्टर की का इस्तेमाल करके उसके रूम में घुस जाता है। यहाँ डोना जब वॉशरूम में होती है तब रिचर्ड उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन रिचर्ड कुछ कर पाता तब तक क्लेयर भी वहाँ जाती है। असल में क्लेयर की माइकल से ज्यादा बहस हो चुकी थी और वो माइकल से काफी नाराज हो गई थी। अब क्लेयर उसी कमरे में कुछ देर रुकने का डिसाइड करती है। वहीं डोना वापस अपने पार्टी में शामिल हो जाती है। अब रिचर्ड को ना चाहते हुए भी क्लेयर को जान से मारना पड़ता है, जिसके बाद रिचर्ड उसकी डेड बॉडी को वॉशरूम में छोड़ देता है। वहीं अगले सीन में हम विंग को देखते हैं, जो रिचर्ड को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया था। वो होटल के वर्कर से बात करता है और उन्हें रिचर्ड की तस्वीर दिखाता है और जानने की कोशिश करता है कि क्या उन्होंने इस आदमी को देखा था। लेकिन रिचर्ड ने अपने हुलिये को अच्छे से छिपा रखा था, इसलिए मैनेजर उसके चेहरे को पहचान नहीं पाता। वो विंग को उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इधर पार्टी में डोना और बॉबी साथ में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर माइकल आता है, जो क्लेयर को लेकर काफी परेशान था। इसीलिए वो डोना से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि क्लेयर उससे गुस्सा होकर ऊपर कमरे में गई हुई है। अब माइकल क्लेयर से माफी मांगने चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रिचर्ड ने पहले ही क्लेयर को मार दिया है और वो उसी कमरे में है। खैर, माइकल जब उस कमरे में पहुंचता है तब रिचर्ड उसे भी मार देता है। रिचर्ड माइकल की डेड बॉडी को संभाल रहा होता है कि तभी उसके पास एक वेटर आता है, जो मारिये को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो पिछले कई घंटों से गायब थी। उस वेटर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिचर्ड ने मारिये को मार दिया था और वो जल्द ही उसके साथ भी ऐसा करने वाला था। रिचर्ड उसे कहता है कि मारिये मेरे कमरे में साफ सफाई कर रही है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम मिल सकते हो। अब जैसे ही वो वेटर कमरे में घुसता है तब रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। रिचर्ड उस वेटर से काफी ताकतवर था, इसीलिए वो वेटर का गला घोंटकर उसे मार देता है। रिचर्ड ने अब तक दो लोगों को मार डाला था। अगले सीन में हम लीसा और रॉनी को देखते हैं, जिन्हें अकेले में कुछ समय बिताने का मन करता है, इसीलिए वो बिना देरी किए अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन तभी लीसा के सामने से रिचर्ड गुजरता है। लीसा उसे देखकर कुछ सोचने लगती है, क्योंकि उसने कहीं उस आदमी को देखा था। और जब रॉनी और लीसा साथ में होते हैं तभी लीसा को याद आता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद रिचर्ड है। अब वो बिना देरी किए डोना के पास जाने लगती है, पर तब तक रिचर्ड की नजर उस पर पड़ चुकी थी। लीसा खुद को बचाकर भागने की कोशिश करती है, पर वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरती है। अब यहाँ रिचर्ड अपने कदमों के साथ लीसा के करीब आने लगता है। लीसा फिर भी वहां से भागने लगती है, लेकिन आखिर में वो रिचर्ड के हाथ लग जाती है, जिससे रिचर्ड उसके गले पर हमला करके उसे मार देता है। इधर डोना को अभी तक रिचर्ड के बारे में नहीं पता था। इसके बाद हम विंग को देखते हैं, जिसे रिचर्ड का बड़ा सुराग मिल चुका था। असल में रिचर्ड ने एक आदमी को मारकर उसका आईडी चुरा लिया था और उसी आईडी के चलते वो उस होटल में दाखिल हुआ था। वहीं उस आदमी की लाश रिचर्ड ने उसकी कार में छोड़ दी थी। अब विंग को रिचर्ड का पता लग चुका था, इसीलिए वो उस कमरे में जाता है जहां उसने रूम बुक किया था। लेकिन विंग को वहां पर रिचर्ड नहीं मिलता, बल्कि वो मारिये के लाश को देखता है, जिसे रिचर्ड ने वॉशरूम में छुपाया था, जिससे अब विंग का शक क्लियर हो गया था कि उस होटल में रिचर्ड आ चुका था, क्योंकि वो ये काम कर सकता था। इसलिए विंग अपने साथी की मदद से पूरे होटल को रोक देता है। यहाँ विंग का साथी सभी को वहां से एक एक करके जाने को कहता है, लेकिन विंग को कहीं पर रिचर्ड और डोना नहीं दिखाई देते, क्योंकि डोना को किसी काम के चलते अपने कमरे में जाना पड़ा था। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तब उसे वहां पर क्लेयर और माइकल की लाश मिलती है। डोना अपने दोस्तों को इस हालत में देख घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके दोस्तों के साथ किसने किया है। तभी रिचर्ड, जो उसका इंतजार कर रहा था, वो डोना के सामने आकर उस पर हमला करने लगता है। तभी डोना भी अपने परिवार के कातिल को देख हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि रिचर्ड ने ही उसके दोस्तों को मारा था, जिससे वो डर कर वहां से भागने लगती है। वो सीधे अपने कमरे में भाग कर दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन रिचर्ड काफी ताकतवर था। वो डोना को धक्का देकर उसके दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसके रूम में घुसने लगता है। अब डोना सही समय पर बेड के नीचे छुप जाती है, पर इस बार रिचर्ड उसे ढूंढ लेता है और डोना घबरा कर वहां से भी भागने लगती है और वो सीधे विंग से जा टकराती है, जिससे डोना खुद को सेफ पाकर
सुकून की सांस लेती है। वो विंग को रिचर्ड के बारे में बता देती है। अब विंग अपने साथी से कहकर डोना को सेफली घर पहुंचाने को कहता है। वहीं रॉनी भी डोना के साथ चलता है। जब डोना घर पर आती है तब कुछ पुलिस वाले डोना की रखवाली के लिए उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। अब डोना इस बात से दुखी हो जाती है क्योंकि रिचर्ड ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया था, जिससे वो रोने लगती है। इसलिए बॉबी उसका ख्याल रखता है और उसे शांत करने लगता है। वहीं विंग भी रिचर्ड की तलाश में निकल जाता है। उसे लग रहा था कि रिचर्ड उस होटल में कहीं छुपा हुआ है, जिससे वो अपने सभी फोर्स को बुलाकर उसकी सर्च में भेज देता है, पर रिचर्ड का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहीं पुलिस को लीजा की लाश मिल चुकी थी, जिसे रिचर्ड ने बेसमेंट में मारा था। अब विंग को समझ आ जाता है कि अगर रिचर्ड होटल में नहीं है तब वो जरूर डोना के घर आया होगा। लेकिन जब विंग डोना के घर आता है तब वो ये देखकर हैरान था कि रिचर्ड वहां आ चुका है और उसने विंग के सभी साथी और पुलिस वालों को मार दिया है। फिर हम डोना को देखते हैं जो बॉबी के साथ होती है। यहां वो बॉबी की वजह से शांत हो चुकी थी और जब वो वॉशरूम में जाती है तब तक रिचर्ड भी उसके कमरे में घुस चुका था। वहीं डोना वॉशरूम से बाहर आती है, जहाँ वो बॉबी को मरा हुआ पाती है। डोना समझ जाती है कि रिचर्ड ने वहां आकर उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है। अब डोना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। अब जैसे वो डोना को मारने वाला था तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और तब हम विंग को देखते हैं। वो सही समय पर रिचर्ड को शूट कर देता है, जिससे डोना की जान बच जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।